एक अत्यंत ही तात्कालिक लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि 85% आबादी वाले लोगों को आरक्षण जो संविधान द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को प्राप्त है उसको पूरी तरह से खत्म करने की साजिश वर्तमान भाजपा सरकार कर रही है। 15% आबादी वाले लोग देश और प्रदेश की संस्थाओं में 85% से कब्जा किए हुए हैं। उदाहरण के रूप में टीचिंग से लेकर देश के विश्वविद्यालय कॉलेजों मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोफेशनल कोर्सों में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी तो कुछ परिवारों के लोग ही आजादी के बाद से जज बने रहे हैं और बन रहे हैं। सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरियां दी जा रही हैं जहां पे अन्य पिछड़े और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण लगभग समाप्त कर रहे हैं। निजी क्षेत्रों में लोगों के लिए आरक्षण लागू नहीं है। सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां समाप्त कर रही है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में निजी हाथों में भेजा जा रहा है। आज हालात क्या है, नाम मात्र का बचा हुआ ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण वर्तमान भाजपा की केंद्र सरकार राज्य सरकारें न्यायालयों में आरक्षण की ठीक से तरह से पैरवी न करके समाप्त कर रही है और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू ही नहीं है। सरकार और सरकारी क्षेत्रों की नौकरी समाप्त कर रही है और सरकारी प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। इसका उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश के ओबीसी एसटी और एसटी के लिए मिल रहे आरक्षण को नए नियम देकर समाप्त किया जा रहा है। जैसे आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को सामान्य मेरिट में नहीं जा सकता तो 50% बाकी का बचा हुआ आरक्षण 15% लोगों के लिए आरक्षित हो गया। यही नहीं, मेडिकल पीजी कॉलेज पीजी में आरक्षण खत्म कर दिया गया और हम समाजवादियों की लगातार मांग भी रही है। संसो पाने वादी का पिछड़े पाने सौ में था और जिस तरीके से जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम साथ ही हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको गिन लिया जाए, हमारी जितनी आबादी है उसको गिन लिया जाए। टेक्नोलॉजी वाली सरकार है तो हमारी जातियां बता दी जाए किसकी जात के कितने कितने लोग हैं, उनको सबको आरक्षण दे दिया जाए, हमको आपस में लड़ाया ना जाए। और जिस तरीके से न्यायालय न्यायपालिका विश्वविद्यालय और जिस अनुपात में जो भी है वहाँ हमको आरक्षण दे दिया जाए। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हम लोगों को पिछड़ा दलित अदलित आदिवासी अति आदिवासी में विभाजित न करके आपस में जातियों को झगड़ा और वैमनस्यता न फैलाकर हमें जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुसार सभी को बराबर भागीदारी दी जाए और आधार कार्ड से जात को जोड़कर आसानी से किया जा सकता है। पूर्व में ओबीसी जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनगणना भी हुई है, वो जनगणना भी सदन के पटल में लाई गई और इससे समाज में आरक्षण संबंधी आ रही आपसी वैमनस्यता झगड़ा समाप्त हो जाएगा तथा सभी को उनकी आबादी के अनुसार भागीदारी मिल सकेगी। एक अच्छे समाज और एक राष्ट्र का निर्माण अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। एक मिनट बस संक्षेप में, इस लोक महत्व के विषय पर समस्त नियमों को शिथिल करा के इसको और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार सबसे बनी है। अभी तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया, अभी तक अध्यक्ष नहीं गठित हो पाया। पिछड़े वर्ग के लोग मारे मारे घूम रहे हैं और जिस तरीके का ये माहौल बनाया गया और ये हम यही नहीं मांग कर रहे है। आज एक समाप्त आयोग
हेलो, ऐसा है बाद में